नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसे स्टॉक की जिसके ऊपर मैंने पिछले काफी समय से कोई वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि जब ये स्टॉक निवेशक बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा निराश थे, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे, उस समय मैं इसके ऊपर लगातार वीडियोस बनाता था। मैं कहता था भाई ये स्टॉक कह लीजिए बिजनेस वाइज बहुत अच्छा कर रहा है, ये जिस तरह से क्वार्टर रिजल्ट आ रहा है वो बहुत अच्छे हैं, डिविडेंड बहुत अच्छा देता है, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक भाग नहीं रहा है। तो ये इस बात का परिचायक होता है कि भाई स्टॉक भी समय ले रहा है, आज नहीं तो कल ये जो इतने अच्छे रिजल्ट दिखा रहा है, जैसे ये कह सकते हैं डीमर्ज हो रहा है, पूरी वैल्यूज की इतनी अच्छी चल रही है, एक समय ऐसा आएगा स्टॉक आप कह सकते हैं री रेट करेगा। स्टॉक ने जो री रेट किया है निचले स्तरों से, इसने अपने निवेशकों को आप कह सकते हैं माला माल करके रख दिया है। तो आगे क्या होगी स्ट्रेटजी, आगे क्या होगा पूरा काम, तमाम चीजों में चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, और क्यों 2023 स्टॉक के लिए बहुत शानदार होने वाले हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, एनालिस्ट कह रहे हैं, और एक आर्टिकल के थ्रू आपको बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। स्टॉक में निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं या ये सोच रहे हैं कि आने वाला साल स्टॉक के लिए कैसे होगा, इस वीडियो में तमाम चीजों पे मैं चर्चा करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप सीधा लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए आईटी से लिमिटेड दोस्तों आप देखें तो आज फ्लैट सा ही रहा है, ठीक है, और पिछले काफी समय से स्टॉक भाग भी नहीं रहा दोस्तों, ना नीचे बहुत ज्यादा जा रहा है ना बहुत ज्यादा ऊपर आ रहा है। पिछले एक महीने में अगर मैं दिखाऊं तो आप देखें तो पिछले एक महीने में स्टॉक मात्र 5 रुपए भी नहीं, 4.5 रुपए ऊपर नीचे गया है, और अभी सिर्फ 1.25% की आपको यहां गिरावट देखने को मिलेगी। यानी पिछले एक महीने में कुछ भी स्टॉक ने नहीं किया। बात करूं पिछले 6 महीने की तो देखिए 6 महीने में स्टॉक ने शानदार 22.5% ज्यादा के रिटर्न दिए, लेकिन दोस्तों ये आप देख लीजिए ये रिटर्न तो है लेकिन उसके बाद ये कंसोलिडेशन फेस का चल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो मेरे को लग रहा है दोस्तों जो Q3 के नंबर्स हैं ये अब देखना पड़ेगा किस तरह के रहेंगे, और स्टॉक यहां से किस तरह आगे जाएगा या गिरावट देखो, क्योंकि देखिए स्टॉक भाग चुका है, यानी कि जो क्वार्टरली नंबर्स आएंगे उसे स्टॉक को जस्टिफाई करना ही पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो अब लेके चलता हूं कि आने वाले साल में यानी नेक्स्ट ईयर क्यों इतनी बुलिशनेस है। आप देखें, देखिए यहां लिखा हुआ है दैट आईटीसी मे आउट परफॉर्म एचयूएल पोस्ट अ स्ट्रॉन्ग 2022 फॉर एफएमसीजी जाइंट, ठीक है। अब आप सोचिए आईटीसी जैसी कंपनी जो एफएमसीजी में कोई बहुत बड़ा नाम नहीं हुई है, ठीक है, आज भी ये बेसिकली एक टोबैको कंपनी है। हाँ मैं मानता हूं जो एफएमसीजी सेक्टर है, इसका जो एफएमसीजी सेगमेंट है वो बहुत बड़ा हो चुका है, ठीक है, लेकिन अभी दोस्तों एक ग्रोइंग फेज में है वो। बट एचयूएल के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो ये कोई इतना ज्यादा बड़ा भी नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ऐसा कहना 2022 में कि भाई वो आउटपरफॉर्म एक्चुअल कर जाएगा ये बहुत अच्छी चीज हो सकती है। तो क्या कहा जा रहा है इसमें आप देखें, नाउ दिस ईयर वाज फेनोमिनल फॉर टू एफएमसीजी मेजर आईटीसी एंड एचयूएल फॉर मोर सो फार द फॉर्मर, ठीक है। एचयूएल और आईटीसी के लिए अच्छा था, लेकिन आप कह सकते हैं जो आईटीसी है उसके लिए शायद ज्यादा हो सकता है, ठीक है। Even as both stock hit or record high during 2022, investor of cigarette to FMCG ITC finally saw their patience pay off as its stock rose 52% during this year on the back of strong recovery in the company's performance as it emerged from the worst of the pandemic during this period. ठीक है, अब आप समझिए कि जो इतने ज्यादा पेशेंटली जो निवेशक इसमें पैसे डाल रखे थे उनका पेशेंस पे ऑफ हुआ, स्टॉक 52% की तेजी दिखाया दोस्तों। आफ्टर कब दोस्तों, अपने पेंडेमिक में वर्स अपने जो भी नेगेटिव चीज थी उसको झेलने के बाद ड्यूरिंग दिस पीरियड द ईटी एफएमसीजी इंडेक्स गेन्ड 14%, यानी जो पूरा इंडेक्स एफएमसीजी का वो 14% था वर्सेस आईटीसी 50% की तेजी दिखाया था, ठीक है। नाउ रिकवरी इन द मार्जिन्स एंड वॉल्यूम्स ऑफ द सिगरेट बिजनेस, ठीक है, जो सिगरेट बिजनेस के जो मार्जिन और वॉल्यूम में रिकवरी देखने को मिली एंड मोमेंटम इन एफएमसीजी एंड इट्स अदर सेगमेंट अर्ज्ड वेल फॉर द कंपनी, देयर वाज नो चेंज इन द टैक्सेशन ऑफ सिगरेट ड्यूरिंग दिस ईयर, बाइंग इंटरेस्ट इन द स्टॉक हैज आल्सो रिमेंड हाई ड्यू टू स्टेटमेंट फ्रॉम कंपनीज मैनेजमेंट अबाउट बीइंग ओपन टू ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग दैट कुड इंक्लूड डीमर्जन ऑफ होटल बिजनेस एंड लिस्टिंग ऑफ द सब्सिडरी आईटीसी इंफोटेक, ठीक है। दोस्तों आप देखिए जो स्टॉक में आप कह सकते हैं
जो इसके निवेशक हैं दोस्तों उनको सबसे ज्यादा बूस्ट कॉन्फिडेंस में इसलिए मिला, उन्हें लगा कि देखिए आईटीसी ने के जो वॉल्यूम्स में सिगरेट वॉल्यूम में बढ़ोतरी देखने को मिली और जो टैक्सेशन था सिगरेट में दोस्तों वो कहीं नहीं हुआ, ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव थी, वरना टैक्सेशन की तलवार लटकी पड़ी रहती थी। और जो कंपनी की मैनेजमेंट तरह से बयान आया ना कि भाई ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग करने वाले हैं और जो होटल बिजनेस है वो अलग होगा और आईटीसी इंफोटेक है वो अलग होगा, तो ये आप कह सकते हैं काफी अच्छा रहा दोस्तों। ठीक है, आगे आप देखते हैं द एचयूएल स्टॉक गेन्ड, यहां देखिए आप द एचयूएल स्टॉक कौन सी, हाँ द एचयूएल स्टॉक गेन्ड 12% इन 2022 हिटिंग अ न्यू रिकॉर्ड एज द इंडियन आर्म ऑफ द एंग्लो डच मेजर कंपनी ऑटोमोटिव स्पीयर इन गेनिंग मार्केट शेयर। एक्चुअल दोस्तों जिस प्रकार से मार्केट शेयर गेन कर रहा है वो एक अपने आप में एक फिनोमिनल है दोस्तों। ठीक है, लेकिन आगे देखें द कंपनीज एफर्ट टू अर्ड डिजिटल पेनिट्रेशन हैव लेड टू 25% ऑफ इट्स कंज्यूमर डिमांड कैप्चर्ड थ्रू डिजिटल चैनल। ठीक है दोस्तों, जो ये कंपनी है दोस्तों ये डिजिटल अपने आप को, एक्चुअल की बात हो रही है, अपने आप को डिजिटली सुपरवाइज करने के लिए यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म में सुपीरियर बनने के लिए जो एक कदम उठा रही है उसका परिणाम ये हुआ है कि 25% इसके कस्टमर ऑनलाइन डिजिटल चैनल से आते हैं दोस्तों। अ थर्ड ऑफ इट्स पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ हाई मार्जिन प्रीमियम प्रोडक्ट, इसके जो 1/3 पोर्टफोलियो दोस्तों अ थर्ड ऑफ इट्स पोर्टफोलियो है वो एक हाई मार्जिन प्रीमियम प्रोडक्ट है। व्हाइल एक्चुअल कंट्रीब्यूट 11% ऑफ इट्स पैरेंट यूनिवर्स ओवरऑल सेल्स, इट्स मार्केट कैप इज 67% ऑफ इट्स मार्केट्स पैरेंट्स मार्केट कैप। ठीक है दोस्तों, आप यहां पाएंगे दोस्तों कि जो एक्चुअल दोस्तों लगभग 11% कंट्रीब्यूट करता है अपने पैरेंट को ओवरऑल सेल्स में यूनिलीवर के, 67% ये मार्केट कैसे ओवरऑल सेल्स में दोस्तों, ठीक है 11% कंट्रीब्यूट करता है अपने पैरेंट यूनिलीवर के ओवरऑल सेल्स में, इसका जो मार्केट है दोस्तों ये 67% ऑफ इट्स मार्केट कैप है। पॉइंटिंग टू द आउट परफॉर्मेंस, पॉइंटिंग टू द परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ प्रीमियम एंड एक्चुअल वैल्यूएशन। ठीक है, अब आगे चलते हैं भाई, बात करते हैं कि आने वाला साल कैसा रहेगा। देखिए जो साल चला गया इट्स ओके, बट आने वाला साल कैसा रहेगा आप देखें। ड्यूरिंग द ईयर बोथ आईटीसी एंड एचयूएल पिक्ड अप स्टेक्स इन डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड्स, हैव बीन एक्वायरिंग स्मॉल कंपनीज टू फिल गैप्स इन देयर पोर्टफोलियो, हैव देयर ओन वेबसाइट फॉर ई शॉपिंग रैम्प्ड अप देयर ई कॉमर्स ऑफरिंग। देखिए हर कोई ना लगातार इनऑर्गेनिक एक्विजिशन कर रहा है, चाहे वो एचयूएल हो चाहे वो आईटीसी हो, दोनों ही कंपनीज दोस्तों आप कह सकते हैं कि दोनों ही कंपनीज जो हैं आईटीसी और एचयूएल दोस्तों वो चीजों को कैप्चर करने के लिए खरीदारी कर रही हैं, और खासकर डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड में जो उनके जो डाइवर्स पोर्टफोलियो है उसमें वो नहीं है, यानी भाई ऐसी कौन सी सेक्शन है जहां पे हमारी उतनी अच्छी पकड़ नहीं है, तो उसे खरीदारी कर रही है, प्लस खुद की वेबसाइट बना रही है ताकि डिजिटल में अपने आप को प्रेजेंस वो कर सकें। ठीक है, आप देखें बाय इंटेंसिफाइंग कंपटीशन एंड सब्ड्यूड रूरल डिमांड अमिड हाई इन्फ्लेशन आर हेडविंग फॉर द कंज्यूमर कंपनीज। देखिए कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है और जो वॉल्यूम है वो कम हो रहा है, तो ये एक डायरेक्ट थ्रेट है दोस्तों तमाम कंपनीज को। हाउएवर इनऑर्गेनिक ग्रोथ थ्रू स्ट्रेटजिक एक्विजिशन डिजिटल पेनिट्रेशन एंड देयर सेलियंस एज अ डिफेंसिव बैट इन अ वोलेटाइल मार्केट मे कंटिन्यू टू सपोर्ट इन्वेस्टर इन टू स्टॉक। नाउ माफ कीजिएगा, एनालिस्ट ऑन द स्ट्रीट सीम टू बी मोर बुलिश ऑन आईटीसी देन एचयूएल। क्यों वो आईटीसी में ज्यादा बुलिश है? डेटा फ्रॉम ब्लूमबर्ग शो 33 ऑफ 35 एनालिस्ट हैव अ बाइंग रिकमेंडेशन ऑन आईटीसी विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 391। इन केस ऑफ एचयूएल 31 ऑफ द 43 एनालिस्ट ट्रैकिंग द स्टॉक टू हैव अ बाय रिकमेंडेशन टारगेट प्राइस ऑफ 2876। यानी आप समझ जाइए कि वैल्यूएशन वाइज और फ्यूचरिस्टिक वाइज आईटीसी में लोग ज्यादा आप कह सकते हैं बैट कर रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज है लॉन्ग टर्म के निवेशकों के लिए। तो यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है, जय हिंद दोस्तों।